हेलो दोस्तों, AKG इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। हमारे पास ये टीवी रिपेयरिंग के लिए आया है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, आपको दिखाई देते हैं। प्लग लगाते हैं, पहले डी प्लग लगाया हमने सीरीज बोर्ड में, बटन को किए ऑन, टीवी हमारा ऑन हो रहा है, ऑन होने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा है। चलिए हम आपको टीवी को घुमा के फिर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है, अब इसको हम ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये हमने प्लग लगाया, ये प्लग लगाया, स्विच को ऑन करते हैं। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पार्किंग थी। देखिए कितनी तगड़ी पार्किंग है। इसकी कैप से लीकेज बहुत तगड़ा हो रहा है, यहाँ से स्पार्क कर रहा है, दिखा दें आपको। ये देखिए, यहाँ से स्पार्किंग हो रही है, स्पार्किंग बहुत तगड़ी हो रही है। चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने से पहले इसकी कैप निकालेंगे। कैप निकालने से पहले आप लोग ध्यान रखें, अभी तक अगर आप पिक्चर टू अभी तक चार्ज है, अगर आप लोग ये कैप निकालना चाहेंगे तो इसको पहले डिस्चार्ज करना पड़ेगा जब ही ये कैप निकालें, नहीं तो ऐसे आप निकालोगे तो बहुत ज़ोरदार झटका लग सकता है। तो जब भी निकालें सावधानी से निकालें। इसकी कैप को निकालने का तरीका, पिक्चर ट्यूब को डिस्चार्ज करने का तरीका आपको बताते हैं। ये जो बॉडी से जो ग्राउंड वायर लगा रहता है, उससे हमने एक वायर कनेक्ट करना है और एक वायर से इधर कैप के अंदर डालनी है। कैप के अंदर डाल के इसको डिस्चार्ज करेंगे। तो दोस्तों अभी ये डिस्चार्ज हो चुका है, अब हम इसको छू सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इसको निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने कैप को बाहर निकाल लिया है, ये देखिए, ये पहले चिपकी अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये बाहर से इधर से स्पार्किंग कर रहा है। तो चलिए हम ये कैप चेंज करके देखते हैं, प्रॉब्लम ख़त्म होता है या नहीं। हमने कैप वायर से निकाल ली है, ये देखिए वायर की कंडीशन देखो, अरे जूम हो जा, ये देखिए वायर की कंडीशन बहुत बुरी है। अब ये वायर हमको जितना कट चुका है स्पार्किंग की वजह से, उतना निकालना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं, वायर छोटा तो नहीं पड़ेगा, परफेक्ट है, आ जाएगा। तो चलिए नया कैप लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वही प्रॉब्लम है या सही हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमने नया कैप लगा लिया है, ये देखिए, तो चलिए अब पिक्चर ट्यूब पे जहाँ पे ये कैप लगानी है वहाँ पे हम ग्लू लगा के फिर इसको लगाते हैं। यहाँ पे ये साफ़ सफाई करके फिर ग्लू लगा के फिर कैप लगाएंगे। तो हमने साफ़ कर लिया है, ये देखिए, लेकिन ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है और ये वाली, ये स्पार्किंग की वजह से ये सब हुआ है। ये देखिए, ये स्पार्किंग की वजह से पिक्चर ट्यूब में स्क्रैच पड़ गए, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच पड़ गया। अगर हम ग्लू लगाए बगैर कैप लगा देंगे तो स्पार्किंग बंद नहीं होगी। परमानेंट अगर स्पार्किंग बंद करनी है तो ग्लू लगा के ही आप लगाएं कैप। तो चलिए ग्लू लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो हमने ग्लू लगा के कैप को लगा दिया है, हम आपको दिखा दें। ये देखिए ग्लू हमने लगा दिया है, अब इसको 10-5 मिनट सूखने के लिए छोड़ देते हैं।
अन्यथा अगर सूखेगा नहीं, हम ऐसे ही चालू कर देंगे टीवी, तो स्पार्किंग वैसी की वैसी रहेगी। तो इसको 10-5 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको चालू करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम वही है या चेंज हुआ। तो जब तक सूखता है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करने में आप लोग यार बहुत कंजूसी करते हो, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें यार, लाइक करें। अगर आपको कुछ सीखना है तो थोड़ी सी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी भाई, वीडियो को लाइक करें। और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने कर रखा है वो बहुत अच्छी बात है। तो इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं 10-5 मिनट, उसके बाद चेक करते हैं। हमारी कैप अच्छे तरीके से सूख चुकी है, हमने टीवी को चालू किया है, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए टीवी हमारा प्रॉपर चालू हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक प्रॉब्लम हुई थी कैप चिपकाने के बाद, हम आपको दिखा दें। ये देखिए कैप तो हमारा प्रॉपर चिपका हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड से ज़रा सा भी लीकेज नहीं है। लीकेज हम आपको दिखा दें, ये जो टेप लगा हुआ है यहाँ से लीकेज हो रहा था तो हमने टेप मार दिया है। टेप आपको दिखा दें कहाँ पे मारा है, ये जो होल है यहाँ से लीकेज हो रहा था तो हमने ऊपर टेप मार दिया है। अब लीकेज बिल्कुल बंद है, ज़रा सा भी चरचराहट सरसराहट कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। टीवी हमारा चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। ये देखिए टीवी हमारा चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिस भाई ने कर रखा है बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।